पूरी दुनिया कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से प्रभावित है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन करने की घोषणा की गई और राजस्थान का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, कोरोना से के संक्रमण से बच सके और कोरोना से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों का या संभावित लक्षण वाले जो भी लोग हैं उन सब का समय पर इलाज किया जा रहा है, समय पर उनका परीक्षण करवाया जा रहा है, होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। जो हमारे लॉकडाउन की वजह से हमारे मजदूरों का जो रोजगार छिन गया था, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया था, तो राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इन तमाम लोगों के द्वारा हर तरह से व्यवस्थाएं की गई है। मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, तो इस दिशा में पूरा काम किया जा रहा है। मैं तमाम प्रदेशवासियों से और विशेषकर हमारे बीकानेर और कोलायत के लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप इस संकट की घड़ी में धैर्य से काम लेवें और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरी पालना करें, मास्क आदि का प्रयोग करें, घर से कम निकलें, जरूरी होने पर ही निकलें। जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, चिकित्सा विभाग का आप सहयोग करें। मुझे आशा है, और आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारा देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से सतर्क और सजग है और सरकार का सहयोग आप सब लोग करें तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी से सफलता प्राप्त करेंगे, इस बीमारी को हराएंगे। धन्यवाद। अब पद जाना था मम्मी मम्मी आना वाली करे लोग भी लगा रहे हैं गाड़ी कुतरी हां कुतरी बीएल 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 जो ग्राफ हो बीएल जो जिलो है जो विजय वाला तो इनकी फेस पे अटे बिगने के लिए मुझे वहां है फिर बड़ा आगे बार भेज दिए ठीक है। हां एप्लीकेशन साइड